एवरीवन, अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू आर टंडन क्लासेस. सो दिस इज़ याशिका टंडन प्रेजेंटिंग यू आर नेक्स्ट वीडियो बेस्ड ऑन एसएससी सीएचएसएल टायर फर्स्ट एग्जाम पेपर्स ऑन जनरल अवेयरनेस. सो ये सारा कंप्लीट कोर्स है जिसमें हम जितने भी एग्ज़ाम पेपर्स आए हैं उनको एनालाइज करने वाले हैं. ये एग्ज़ाम पेपर 12th of October मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, राइट, जिसके बारे में मैं आपसे आज बात करने वाली हूँ. तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चंस देखिए. ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन इन्होंने पूछा था. ऑन 2nd of December 2019 हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल पायलट ऑफ द इंडियन नेवी. ये आपकी लेफ्टिनेंट शिवांगी बनी है. और सबसे पहले इस क्वेश्चन से आपको सीखने को क्या मिलता है, ये क्वेश्चन अब दोबारा तो रिपीट नहीं होगा जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, बट इस क्वेश्चन से आपको ये सीखने को मिलता है कि आपको फर्स्ट इन कैटेगरी जो आपकी न्यूज़ में रहती है उसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए. एक सेपरेट कॉपी वगैरह लगा लीजिए करंट अफेयर्स की, जहाँ पर आप ये चीज़ें पॉइंट्स में नोट डाउन करिए कि कौन फर्स्ट इन कैटेगरी मेल या फीमेल में बन रही हैं. साथ ही साथ स्टैटिक जीके की जितने भी पास्ट होती हैं पास्ट फीमेल कैटेगरी वो भी इंपॉर्टेंट होती है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट फीमेल पायलट ऑफ द इंडियन नेवी वो कौन बनी है, शिवांगी, लेफ्टिनेंट शिवांगी, प्लीज़ याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है. आगे बात करते हैं. सागा दावा इज वन ऑफ द बिगेस्ट बुद्धिस्ट फेस्टिवल इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. ये जो सागा दावा है ये बेसिकली आपका बुद्धिज़्म के ऊपर ये फेस्टिवल है और ये सिक्किम में बहुत उल्लास से मनाया जाता है, तो ये सिक्किम का फेस्टिवल है. अगेन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बुद्धिज़्म जो है ये आपका धर्म है. वैदिक सिविलाइजेशन जैसे ही ख़त्म हुई थी तब आपके बुद्धिज़्म आए थे और सिद्धार्थ गौतम उसके फाउंडर थे. अगेन बुद्धिज़्म को आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है, एसएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है ये, राइट. नेक्स्ट बात करते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉलीवुड वेटरन्स वाज चूजन फॉर द 66 दादा साहेब फाल्के अवार्ड. दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो होते हैं ये बेसिकली फिल्म इंडस्ट्री में दिए जाते हैं, और 66 ये 2018 का अवार्ड जो है ये 2019-20 में जाकर मिला है, और ये अमिताभ बच्चन को मिला है, राइट. अभी इसके आगे कोई दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स नहीं हुए हैं, तो अभी मेरे पास इसका कोई करंट डाटा नहीं है, तो अभी के लिए आपको याद रखना है कि 2018 यानी कि जो 66 दादा साहेब फाल्के अवार्ड हुए हैं उसमें अमिताभ बच्चन जी को दिया गया है. मैं थोड़ी सी स्पीड में करवाऊंगी, रीज़न ये है कि पेपर को एनालाइज़ करते वक्त ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगाना है, बस जल्दी जल्दी से जितने भी क्वेश्चंस कवर अप होते हैं वो हमने कर लेने हैं, राइट. विच ऑफ़ द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया दैट कवर 10% ऑफ द कंट्री. ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी रिवर्स हैं उसमें से गोदावरी रिवर जो है ये सबसे बड़ी है आप कहोगे, तो यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा कवर कर रही है एरिया. इसी के साथ साथ आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछे इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है, ऑफ इंडिया, अगर आपसे पूछे कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया तो आपको याद रखना है वो है ब्रह्मपुत्रा. ब्रह्मपुत्रा जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर है. रीज़न ये है कि ये इन इंडिया में नहीं इतनी लॉन्गेस्ट रिवर है, मतलब पूरे ओवरऑल अगर देखा जाए ये लॉन्गेस्ट है. बट अगर गंगा के बारे में बात करते हैं तो गंगा इन इंडिया में लॉन्गेस्ट रिवर मानी जाती है, क्योंकि गंगा सारी इंडिया की टेरिटरी में ही बहती है, जबकि ब्रह्मपुत्रा जो होती है वो आधी इंडिया की टेरिटरी में और बाकी की बाहर. तो यहाँ पर रिवर बेसिन इन इंडिया जो कवर करता है 10% वो गोदावरी है, पहले नंबर पे आपकी गंगा आती है, राइट. नेक्स्ट बात करते हैं. हु फाउंडेड द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI इन कलकत्ता. ये प्रशांता चंद्रा जी ने किया था. स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट वो है जो आपको स्टैटिक्स का जो है डाटा निकाल कर देता है, राइट. नेक्स्ट हमारे पास बात करते हैं, अगला क्वेश्चन जनरल साइंस के ऊपर है. बायो के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं. हार्मोन्स एसएससी सीएचएसएल के लिए वन ऑफ द फेवरेट हैं, जैसे कि इंसुलिन हार्मोन हो गया, एडेनालाइन हो गया, ये सारे हार्मोन्स आते ही आते हैं, तो बायोलॉजी का ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आपको करना ही करना है. नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एट्रियल वॉल ऑफ द ह्यूमन हार्ट ये सीक्रेट करता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन, इनमें से कौन सा ये हार्मोन है ये बताना है. आइए इसके बारे में बात करते हैं. ये आपका ANF नाम का हार्मोन होता है, ठीक है. आप इसको कई बार जो है एक तरीके से आर्चुअल नेट्रोटिक पेप्टाइड भी बोलते हो. ये एक तरीके का ऐसा हार्मोन होता है जो बेसिकली कार्डिक सेल्स ऑफ द बॉडी के लिए सीक्रेट किया जाता है. ये क्या करता है, आपके ब्लड वॉल्यूम को जो है कंट्रोल करके रखता है, ठीक है, रेगुलेट करता है आपके ब्लड वॉल्यूम एंड द ब्लड प्रेशर को.
नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाउ मेनी टाइम पंकज अडवाणी विन द IBFS वर्ल्ड बिलियर्ड चैम्पियनशिप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन एंड SSC के वन ऑफ द फेवरेट रहे हैं जब से SSC एग्ज़ाम ले रही है, और ये करंट अफेयर्स में हमेशा रहते हैं, चाहे आप 2015 में देख लो, 16, 17 एंड 18, तो यहाँ पर अभी तक इन्होंने 22 टाइम्स जो है जीत लिया है। पंकज अडवाणी प्लीज़ याद रखिएगा, बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन दैट लोकसभा मस्ट हैव अ स्पीकर एंड द डेप्टी स्पीकर। यहाँ पर दो आर्टिकल्स आपके लिए जानने के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 93, ये आपका डील करता है कि जो स्पीकर है डेप्टी स्पीकर हाउसेज ऑफ द पीपल में होने चाहिए, ठीक है। अगर सपोज करो स्पीकर नहीं है तो डेप्टी स्पीकर जो है उनकी वेकेंट पोजिशन को संभालते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है आर्टिकल नंबर 97 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सैलरीज से रिलेटेड हैं आपकी डेप्टी स्पीकर और आपके जो है स्पीकर के, ठीक है जी। तो ये आपको याद रखना है, बाकी का आप स्लाइड को प्लीज़ पॉज कर कर इसको रीड आउट करिएगा, मैं आपका टाइम जो है इसमें ज़्यादा नहीं लेना चाहती। नेक्स्ट हमारे पास आता है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज भम दीपति साई प्रणीत एसोसिएटेड, ये बैडमिंटन से रिलेटेड है, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडियन प्लेयर है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, करंट अफेयर्स के बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आपको इंडियन प्लेयर्स उनकी जहाँ पर वो रहते हैं या वो कौन सा जो है खेल खेलते हैं इनके बारे में पता होने चाहिए। आपके स्पोर्ट्स अवार्ड्स भी बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखिए जब आगे आने वाले एग्जाम्स होंगे। इन विच प्रोसेस प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग अप्लाइड ऑन आयरन टू प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग, आयरन यानी कि लोहे को जंग रगना, ठीक है, इसको बोलते हैं हम कोरीजन। अब आयरन को जंग लगने के लिए वाटर एंड ऑक्सीजन दोनों की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर अगर जब आप आयरन को जिंक की कोटिंग देते हो ताकि उसको जंग ना लगे, ऐसी प्रोसेस को आप गैल्वनाइजेशन बोलते हो। प्लीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यहाँ पर यह भी आपको याद रखना है कि जिंक की कोटिंग होती है, एक और होता है इसकी होती है कैडमियम, कैडमियम की कोटिंग भी की जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर इन हिस्ट्री टू विन द सर गारफिट सॉबर्स ट्रॉफी फॉर ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर, ये आपके बने हैं विराट कोहली, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इन कैटेगरी में अगेन ये आ गया, तो हमारे लिए अब इंपॉर्टेंट है, आगे कभी भी ये न्यूज़ में ये ट्रॉफी आएगी दोबारा से ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो आपको ये याद रखना है, वो है विराट कोहली। वट इज़ द रेंज ऑफ द इंटेंसिटी स्केल यूज इन मेजरिंग अर्थक्वेक्स, देखो अर्थक्वेक्स के बारे में ये आप बताएंगे मुझे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मुझे नीचे कमेंट्स में बताना है कि अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि सेस्मिक वेव्स, ठीक है, सेस्मिक वेव्स जो होती हैं वो आपकी इनकी इंटेंसिटी जो है वो देखी जाती है कि कितनी है, और साथ ही साथ जब हम अर्थक्वेक के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर सेस्मियोग्राफ, ठीक है, सेस्मियोग्राफ यूज होता है ताकि आप ये देख सको। अब यहाँ पे पूछा गया है कि जब आप इंटेंसिटी स्केल के बारे में बात करते हो, मतलब कितनी तीव्रता से जो है आपका अर्थक्विक आता है, उसकी जो है रेंज क्या होती है, राइट। तो ऑप्शन देखो 1 to 7, 1 to 12 और 1 to 15 या आपकी 1 to 5, तो बेसिकली 1 to 7 तक ये देखा जाता है, उस इतने में इसकी जो है इंटेंसिटी हम मैग्नीट्यूड जो है वो चेक करते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेसोस्फीयर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। अब इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले इस लेयर के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे, आइए जानते हैं इसके बारे में। देखो जब हमारा एटमोसफियर है उसमें 5 तरीके की लेयर्स होती हैं टोटल, एक होता है ट्रोपोस्फियर, इसको सबसे ऊपरली लेयर बोला जाता है, सबसे पहली लेयर है। यहाँ पर अगर आप बात करते हो जो है टॉपेस्ट लेयर है 13 किलोमीटर तक होती, यहाँ पर ही आपका सारा एटमोसफियर होता है। उसके बाद जो है सेकेंड लेयर आती है स्ट्रेटोस्फीयर, जो आपकी ओजोन लेयर होती है वो यहीं पर पाई जाती है, ठीक है, यहीं पर सारे आपके जो फ्लाइंग वगैरह जो है आपके एयरप्लेन्स की होती है, और ठीक है। नेक्स्ट हमारी बात है मेसोस्फीयर, जिसके बारे में आपसे पूछा गया, ये जो लेयर होती है 80 किलोमीटर एक्सटेंड करती है, जो मेट्रॉइड्स होते हैं यहाँ पर बर्न होते हैं, और उसी के बाद आपकी आती है थर्मोस्फीयर। इस लेयर में क्या होता है कि टेम्परेचर जैसे जैसे आप इंक्रीज़ करते जाते हो हाइट, आपकी रेपिडली बढ़ता जाता है, और उसी के बाद आपकी आती है एग्जोस्फीयर,
एग्जोस्फेयर, एग्जोस्फेयर जो लेयर होती है वो लास्ट लेयर होती है, थिन लेयर होती है, लाइट गैसेस जस्ट एज सच एज हीलियम एंड हाइड्रोजन यहाँ पर फ्लोट करती है। तो यहाँ पर इट डायरेक्टली अबव द स्ट्रेटोस्फीयर बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सेकेंड लेयर है और ये आपकी थर्ड लेयर आ जाती है। यहाँ पर मेट्रोइड्स बर्न करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, थर्ड लेयर है एटमोसफेयर की, ये भी हो गया। बट ये जो टेम्परेचर राइजेज वाला है ये किसका है, थर्मोस्फेयर का। तो यहाँ पर ये करेक्ट आंसर आएगा कि ये इसके बारे में करेक्ट नहीं है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन एक्ट्रेस वॉज चूजन फॉर द 2020 क्रिस्टल अवार्ड गिवन बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फॉर स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ। तो आपने देखा भी होगा दीपिका पादुकोण काफ़ी बार जो है डिप्रेशन के बारे में बात करती रहती है, तो दीपिका पादुकोण को मिला है। साथ ही साथ इसमें ना चाइना के भी काफ़ी पर्सनालिटीज़ को ये अवार्ड मिला है, एक बार ज़रूर देखिएगा। अगला हमारे पास आता है, विच फॉरेस्ट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज अ मॉनसून फॉरेस्ट। यहाँ पर बहुत लोग जो है पेपर में गलती करके आए होंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को कर, बट नहीं, यहाँ पर जो है ट्रॉपिकल डेडिशियस फॉरेस्ट जो है वो राइट आंसर आता है। देखो ट्रॉपिकल डेडिशियस फॉरेस्ट क्या होते हैं, इनको ओपन वुडलैंड भी बोला जाता है एक तरीके का, यहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है। अब अगर आप इंडिया का मैप देखोगे, ये आपके इधर वेस्टर्न घाट्स होते हैं, ओके, देयर इज़ योर ईस्टर्न घाट्स, हेयर इज़ योर वेस्टर्न घाट्स, हेयर इज़ योर ईस्टर्न घाट्स। अब यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स की तरफ आपको बहुत ज़्यादा ये आपको फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, और अगर हम इसलैंड्स के बारे में बात करें, अंडमान और निकोबार इसलैंड्स में भी आपको ये देखने को मिलेंगे। बट डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय इंसुलिन। देखो इंसुलिन एक तरीके का हार्मोन होता है, और ये क्या करता है, आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। एक ग्लैंड होता है आपके बायोलॉजी में जिसको बोला जाता है पैनक्रीज ग्लैंड, उस ग्लैंड के द्वारा इस इंसुलिन को जो है रिलीज़ किया जाता है, और अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो आपको डायबिटीज़ हो जाती है। तो थर्ड विल बी द राइट आंसर, डायबिटीज़ मेलिटस, जिसको टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ भी बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, इन अ कंप्यूटर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग अ डाटा एंड इज़ ऑल्सो कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इसको बोला जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में दो यूनिट होते हैं, वन इज़ कंट्रोल यूनिट, वन इज़ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको ALU भी बोला जाता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, जितने भी ऑपरेशन होते हैं उनको कंट्रोल करता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है, आपकी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है। अगेन मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ, आप इसको स्पीड में लो भी कर सकते हो, राइट। अगर आपको लगे कि मैं बहुत फास्ट हूँ, वहाँ पर आपकी स्पीड जो होती है यूट्यूब पे सेटअप हो जाती है, आप मुझे थोड़ा स्लो भी कर सकते हो, बट जो फास्ट सुनना चाहते हैं वो आराम से सुन सकते हैं। अगला हमारे पास आता है, हु वॉज़ अ बेस्ट नोन फॉर होस्टिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्लैग एट द गोविला टैंक मैदान इन बॉम्बे ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मूवमेंट था, इनका नाम है अरुणा असफ अली, ठीक है, इनको गांगुली भी बोला जाता है। तो ये एक इंडियन एजुकेटर थे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, पब्लिशर थे, और बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेंट थे इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। क्विट इंडिया मूवमेंट जो था ये 1942 में आया था, जिसको हम भारत छोड़ो आंदोलन भी बोलते हैं। इन्होंने इंडियन नेशनल फ्लैग को होस्ट किया था। नेक्स्ट हमारे पास आता है, विच इज़ ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ इनकरेक्टली मैच। तो ये आपकी पेडोलॉजी जो है यहाँ पर इनकरेक्टली मैच है। फाइटोजोग्राफी का मतलब क्या होता है, ये ऐसी स्टडी होती है जो बेसिकली प्लांट्स की स्पीसीज के बारे में होती है, जबकि ये वाली जो स्टडी होती है सॉइल से रिलेटेड होती है। तो यहाँ पर ये अगेन गलत है, तो पहला ही राइट आंसर आएगा, इनकरेक्टली बोला गया था। तो बाकी के सारे सही हैं। हाइड्रोलॉजी इज रिलेटेड टू द ओशनोग्राफी, हाइड्रो इज इक्वल टू वाटर, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी कल्चर जोग्राफी के ऊपर होती है, डेमोग्राफी पॉपुलेशन के ऊपर होती है, राइट। अगला क्वेश्चन आता है, आतिश चिनार यानी कि फ्लेम्स ऑफ चिनार इज़ अ ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच पॉलिटिशियन, इनमें से कौन है। तो वो आपके जो है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला हैं, राइट। एक बात और याद रखिए, ऑटोबायोग्राफीज़ बहुत बार पूछ ली जाती हैं, जैसे कि बाबर की हिस्ट्री में भी बहुत सारी ऑटोबायोग्राफी होती है बाबर की, जैसे बाबरनामा, अकबर की अकबरनामा, एन ए अकबरी, ऐसे बायोग्राफीज़ जो हैं आपको पूछ ली जाएंगी, आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। अगला क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट व्हाट इज़ द इंडिया रैंक इन द 2019 वर्ल्ड इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपेयर्डनेस। तो यहाँ पर जो है इंडिया का रैंक क्या रहा है, वो रहा है 15 आपका, बेसिकली 28 कंट्रीज़ में से ये देखा गया था, ठीक है, सॉरी 19 गाइज, ये करेक्ट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर गलत हो गई, 19 रहा है, ओके।
तो मुझे लग ही रहा था। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, हु इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अगेन ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, देखो जो लॉर्ड डलहौजी थे ये आपके गवर्नर जनरल थे, इन्होंने ये पॉलिसी लाई। ये पॉलिसी क्या थी कि जैसे आपने रानी लक्ष्मीबाई के केस में देखा था, रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो झांसी की रानी थी, तो हुआ क्या उनके जब हस्बैंड और उनके बेबी की जब डेथ होती है तो उसके बाद जो है कोई भी मेल जो है नहीं संभालने वाला होता है राज्य, तो अंग्रेज़ क्या करते थे ऐसे राज्य को जो है हड़प लेते थे, अपने अंदर ले आते थे। तो इसी पॉलिसी को हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं। ये आपकी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है वो लाई गई। ऑन विच डे इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। 30th नवंबर, 15th अक्टूबर, 26th या 2nd अक्टूबर। 26th ऑफ नवंबर को 1949 को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। इस दिन जो है कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। अगर आपसे पूछे कि 26 जनवरी 1950 को ये इफेक्ट में आया था, मतलब एक तरीके से आप कह लो इन्फोर्सिबल हुआ था, मतलब आपका एक तरीके से वर्किंग में आया था, ओके। तो 26 जनवरी को क्यों ही चूज़ किया गया, क्योंकि जनवरी के दिन 26 जनवरी 1930 में एक लाहौर का सेशन होता है, और इस सेशन में क्या होता है, लाहौर का यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है, जिस वक्त ये बोला जाता है कि पूर्ण स्वराज की डिक्लेरेशन होती है। मतलब उस वक्त जो है लीडर्स बहुत सारे ये कहते हैं कि अब हमें देश से आज़ादी चाहिए। तो 26 जनवरी 1950 को इसीलिए जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स आता है। इन विच ईयर वर द कलबेला फोक सॉन्ग्स जो हैं, डांसेस जो हैं, ये आपके इंक्लूड कर लिए गए थे यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में। यूनेस्को एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली सभी वर्ल्ड के जितने भी आपके कल्चर होते हैं चीज़ें, या आप कह लो जो कल्चर से रिलेटेड होती हैं उनको ही संभाल रखती है। तो 2010 में इनको ला दिया गया था, ओके। सो ये थे आपका आज का पेपर जो मैंने आपको करवाया, थोड़ा सा स्पीड में करवाया तभी 16 मिनट में ओवर हो पाया। तो बाकी के पेपर्स भी आपके आते रहेंगे। आपको क्या करना है, टंडन क्लासेस को जो है वो सब्सक्राइब करना है अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है, और साथ ही साथ इस लेक्चर में आपको सारे पेपर्स देखने को मिलेंगे। CHSL टायर फर्स्ट ऑनलाइन एग्ज़ाम पेपर 2019 12th ऑफ अक्टूबर का ये पेपर है, ठीक है। ये लेक्चर जो है मेरे द्वारा प्रेजेंटेड है। मेरा नाम है यशिका, मैं अनअकैडमी में भी पढ़ाती हूँ, अन अकेडमी प्लस में, GS की ही फैकल्टी हूँ, लगभग मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो आप बाकी का जो है जितना भी हमारा प्लस सब्सक्रिप्शन का जो है वो आपको आगे अब वीडियो में मिलेगा। मैं आपको उसमें समझाऊंगी कौन कौन से कोर्सेज जो है आ रहे हैं, ठीक है, आप वो भी देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। हाई एवरी वन, वेरी वॉम वेलकम टू ऑल ऑफ यू आर टंडन क्लासेस। दिस इज़ याशिका टंडन प्रेजेंटिंग यू अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो आज हम बहुत ही अच्छी जनरल साइंस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके मेटल के बारे में, राइट, सोडियम के बारे में। बट उससे पहले आपके लिए एक बहुत ही ग्रेट न्यूज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। 21st of December से अनअकैडमी प्लस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट बैचेस आ रहे हैं, जैसे कि 3 बैचेस जो हैं वो लॉन्च हो रहे हैं। अगर आप SSC, CHSL, CGL या MTS किसी की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की क्यों ना कर रहे हो, ये बैच आपके लिए है। इस बैचेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चा कि फुल सिलेबस इसमें कवर होगा। टॉप एजुकेटर्स इसमें पढ़ा रहे हैं, इसमें मैं भी आपको ज्योग्राफी, जनरल साइंस ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगी। और यहाँ पर ये कंप्लीट बैच आप देख रहे हो 2021 के लिए भी लागू होता है। यहाँ पर आप सभी के लिए जिनको बच्चों ने बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया उनके लिए फाउंडेशन बैच भी आपका स्टार्ट हो रहा है। साथ ही साथ हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए भी बैच जो है हमारा आया हुआ है, राइट। याद रखिए कल से ये बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, और 21st से जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है इसके मैं आपको बता देती हूँ, ये 6 मंथ्स का सिलेक्शन प्रोग्राम है। तो यानी कि आपके जो सिलेबस है वो 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। 2021 की पूरी तैयारी होगी इसमें, टॉप एजुकेटर सारे सब्जेक्ट्स के इसमें पढ़ाएंगे आपको, पवन राव सर से लेकर अभिनय सर तक, ओके, मैथ्स के लिए रखे गए हैं उन आपके। और फाउंडेशन बैच में आपका फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल होगा। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आज आपको मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि 31st से हमारे प्राइसेस जो हैं गाइस वो राइज हो रहे हैं। आपको ऐप पे जाना है, वेबसाइट पे जाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आपको 31st of December से पहले सब्सक्रिप्शन लेनी है, क्योंकि यहाँ पर प्राइसेस जो हैं वो राइज हो जाएंगे, ठीक है। हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए भी हमने स्पेशल बैच रखा है, हाइक हो रहा है, मैं दोबारा बोल रही हूँ। अभी के लिए जो करंट प्राइसेस हैं अगर आप देख रहे हो 6000 रुपीज़ है, राइट, 6000 रुपीज़। बट
ये जो बैच ये आप देख रहे हो 12 मंथ्स के लिए, बट हो सकता है कि ये प्राइस में आपको ज़्यादा प्राइस देखने को मिल जाए, फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको ये बैच लेना है, और नीचे यहाँ पर आपको कोड दिखाई दे रहा होगा, अगर आप इस कोड को अप्लाई करोगे तो इसमें आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। तो YashikaYT इज़ माई कोड, आपको ये कोड लगाना है 10% डिस्काउंट के लिए, राइट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज की।